की बड़ी खबर का रुख करते हैं। रीट शिक्षक भर्ती 2020 को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। दरअसल 70 और 30 का जो वेटेज होता है रीट परीक्षा के अंदर, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़ी जानकारी दी और कहा कि 30 फीसदी वाले वेटेज पर एक बार फिर से मंथन किया जाएगा। जल्द इसको लेकर अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट सौंपी जाएगी और उसके बाद सरकार के निर्णय के बाद फैसला लिया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बाकायदा अधिकारियों की बैठक ली और इसके अलावा बैठक में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि रीट भर्ती, कंप्यूटर शिक्षक कैडर, शिक्षक तबादला नीति को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई है। आगामी सत्र से ड्रेस चेंज करने की फाइल को भी लेकर चर्चा हुई है। आज की मीटिंग में 3-4 फैसले लिए गए हैं। कंप्यूटर शिक्षा के बारे में बैठक में फैसला लिया गया, अगले 1-2 दिन में पत्रावली मंजूरी के लिए भेजी जाएगी। हमारा निर्णय विभाग के स्तर पर करने के बाद 7 दिन में वित्त विभाग के लिए फाइल को भेजा जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक तरीके से बेरोजगारों के लिए काफी राहत भरी खबर, क्योंकि कंप्यूटर शिक्षक लगातार भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, रीट भर्ती को लेकर लगातार इंतजार किया जा रहा है। यहाँ 2-3 ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु जिन पर ध्यान देने की जरूरत। एक तो रीट 2020 के लिए जो 730 का रेशियो था, उसमें जो 30 का रेशियो है उसमें बदलाव को लेकर मंथन किया जाएगा। दूसरी बड़ी खबर कि कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को लेकर बाकायदा इस पत्रावली को मंजूरी दी जाएगी और फिर वित्त विभाग को इसको भेज दिया जाएगा। मेरे सहयोगी भारत मेरे साथ जुड़ चुके। भारत, जिस तरीके के फैसले कहें या मंथन कहें इस बैठक के अंदर हुआ है, बेरोजगारों के लिए राहत की खबर, क्योंकि ये वो मंथन जिनको लेकर लगातार मांग उठ रही थी कि इन पर ध्यान दीजिए। देखिए बिल्कुल विजेंद्र, आज शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा ने शिक्षा संकुल में शिक्षा के तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की, इसमें कई अहम फैसले यहां पर नजर आए। अगर बात की जाए रीट शिक्षक भर्ती की, रीट शिक्षक भर्ती 31,000 पदों पर होने वाली है और उसको लेकर कई बेरोजगारों की आशा है कि जल्द से जल्द ये भर्ती हो, उसको लेकर ही रूपरेखाएं आज मीटिंग में तैयार की गई। इसके साथ साथ जिस प्रकार से हमने पहले भी बताया कि इस बार एनसीईआरटी के सिलेबस की बात मंत्री ने कही है, उसके साथ साथ ही इस बार एक ही पेपर होने की बात है वो यहाँ पर कही है। इसके साथ साथ और भी कई अहम फैसले इस पर हुए, जिसके साथ साथ अगर तबादला नीति की यहाँ पर बात की जाए तो उस पर भी यहाँ पर गहन चर्चा हुई। हालांकि कुछ निकलकर सामने नहीं आ रहा कि किस प्रकार की नीति को भी मान्यता यहाँ पर दी गई। इसके साथ साथ अगर बात की जाए कंप्यूटर शिक्षक केडर के साथ साथ अन्य भर्तियों की, तो उस पर भी यहाँ पर चर्चा यहाँ पर की गई है। और कुल मिलाकर अगर बात की जाए जैसे कि स्कूल शिक्षा की बात की जाए, तो जिस प्रकार से हाईकोर्ट का कल आदेश आया था कि 70% ही पेरेंट्स से जो निजी स्कूल है वो फीस वसूल सकेंगे, इस पर भी अपनी टिप्पणियां गोविंद डोटासरा ने दी। वही साथ साथ स्कूलों को जो ड्रेस परिवर्तन को लेकर है जो कवायद की जा रही है उस पर भी शिक्षा मंत्री ने यहाँ पर बैठक ली। तो कुल नहीं कह सकते, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से रीट के मामले पर जो बैठक यहाँ पर ली गई है उससे प्रदेश के बेरोजगार में निश्चित रूप से खुशी का माहौल होगा, क्योंकि अब लगता है कि सरकार है वो पूरा मन बना चुकी है और जल्द से जल्द रीट की भर्ती की तारीखें वो यहाँ पर घोषित की जाएगी। जी बिल्कुल भारत, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।